हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नेथन टेक। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आज हम ओपन करने जा रहे हैं डेल ऑप्टिप्लेक्स 755 का मदरबोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो हम आपको देंगे शॉर्ट आउट। तो चलिए अपनी अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि पावर सप्लाई कैसे ओपन करते हैं, तो आपने इस पावर सप्लाई को ओपन कर लेना है और यहाँ से ये वाली जो येलो केबल होगी आप इसको ऊपर पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से निकालने के बाद इसको साइड पे कर ले और ये आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज वायर है, इसको भी ऊपर को पुश करेंगे तो ये निकल आएगी। अब मैं आपको ये प्रोसेसर ओपन करने के बाद मिलता हूँ, ये जो हीट सिंक है इसको ओपन करने के बाद मिलता हूँ। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो व्यूअर, मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। अब हम इसका ये प्रोसेसर भी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा प्रोसेसर है और इसके वजह से पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। मैंने हम ये हार्ड भी निकाल देते हैं और इसको वापस से बंद कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसका स्क्रू इस तरह लगाएंगे, एक यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप थोड़ा पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है ये प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड ओपन करना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने दूसरी साइड से भी इसी तरह ओपन कर लेना है। ये देखिए देखिए बहुत ही आसान था इसको भी। अब हम इसकी सारी वायर्स रीअटैच कर देंगे। सबसे पहले ये इसकी जो वायर्स हैं ये निकाल देते हैं। ये देखिए अगली वीडियो मेरी इस कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में होगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको वो वीडियो भी देखने में। अब हम इसके रैम्स भी ओपन कर देंगे। देखिए अब हम इसकी कॉमोस बैटरी निकाल लेंगे। आपको मैं अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर ये कॉर्नर पे इधर ये स्क्रू होगा, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए देखिए ये ओपन हो गया है। अब हम इनको साइड पे रख देते हैं। आहिस्ते आहिस्ते करके हम यहाँ से भी ये वाला ओपन कर लेंगे और आप ध्यान रखिएगा कि किसी और चीज को जोर ना लगे तक के वो टूट ही जाए। इसको बहुत ही एहतियात से आपने ओपन कर लेना है। ये वाला भी स्क्रू ओपन हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ रैम स्लॉट्स के साथ ही एक यहाँ पर भी स्क्रू लगा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़ूम करके। ये देखिए इसका भी हमने ओपन कर लेना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है इसको ओपन करना। अब हम इस वाले स्क्रू को ओपन करेंगे। देखिए ये वाला स्क्रू ओपन करेंगे। ये इस वाले स्पीकर के साथ होगा, इधर ये जो स्पीकर लगा है इसके साथ होता है। ये देखिए
ये भी ओपन कर लिया है। अब बिल्कुल कॉर्नर पे इधर एक और स्क्रू होगा, हम इसको भी ओपन करने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए ये भी ओपन हो चुका है, बहुत ही आसान था इसको ओपन करना। अब हम इसको थोड़ा साइड पे कर लेंगे इस वाली बार को, क्योंकि अब ये मदरबोर्ड जब निकालेंगे, ये थोड़ी सी वायर को पीछे करेंगे। सो व्यूअर्स, यू कैन सी दिस इज अवर अमेजिंग मदरबोर्ड। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस मदरबोर्ड को निकाल लिया। मैं आपको इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ कि इसकी बैक साइड पे क्या है। देखिए बस ऐसे ही था, ये बिल्कुल एम्प्टी, कोई चिप वगैरह कोई स्लॉट नहीं लगा। बस इसकी ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड पे सब कुछ, सब कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और व्यूअर्स, अब हम इसको वापस लगा देते हैं, जिस तरह निकाला है उसी तरह से वापस निकाल लगा देना है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं डेली नोटिफिकेशन के लिए। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।